प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक दमदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित और बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी। और ये दोनों बहनें मिलके मुल्ला मौलवियों से लेके मजहब के ठेकेदारों की पोल खोलेंगी। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। और मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ नाज़िया इलाही खान मौजूद है। नाज़िया बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इतने कोसने के बाद, इतने सरापने के बाद, इतना कुछ मुझे डिफेम और मलाइन करने के बाद भी मैं बड़ी मस्त हूँ। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं ठीक हूँ। मैं एक पूरे साबुत में बैठी हूँ, यही मेरा सबूत है कि मैं ठीक हूँ। अभी हालिया में आपको भी तो बोटी बोटी करने का धमकी मिल चुका है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे आपके। हाँ, तो आज मुझे लगता है कि हम ये जो टुकड़े टुकड़े, सर्तन से जुदा और ये सारी चीजें होती है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर बात आपकी और सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करें तो हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी को भी ब्लास्फेमी के इल्जाम में मार दिया जाता है। ये भारत में भी बहुत हो गया है। आप किसी डिबेट में हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से बहस कर रहे हो, फैक्ट आप स्टेट कर रहे हो, तो आपको सीधे धमकी दे दी जाती है कि आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये इतनी इंटॉलरेंस, जो समाज एक बड़े टॉलरेंट समाज पे इल्जाम लगाता है कि बहुत ज्यादा भारत में इंटॉलरेंस है, वो इतने इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती। और आप किसी के खिलाफ भी इतना बड़ा नारा लगा देते हैं, किसी को भी काफिर डिक्लेयर कर देते हैं। आखिर ये मानसिकता क्यों बढ़ती जा रही है भारत और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो? देखिए अंबर, मेरा जो अनुभव है और जितना मैंने किताबें पढ़ी हैं या जो पुराने लोगों के साथ, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ मैं ज्यादा उठती बैठती हूँ, अपने उम्र के लोग और अपने उम्र से कम लोगों के साथ मेरा वक्त ज्यादा नहीं गुजरता है। जो कोई भी सही अल कुरान बताएगा, जो कोई भी सही इस्लाम बताएगा, उसको काफिर, या तो काफिर घोषित किया जाएगा या उसके ऊपर बहुत सारे FIR करवा करके, उसको डरा करके, उसको उसकी जुबान को बंद करवाने की कोशिश की जाती है। और ये मुस्लिम समुदाय ही करता है भारत में। क्यों करता है? क्योंकि उनकी जो दुकान चल रही है, वो दुकान वो बंद नहीं करना चाहते। अब अंबर, मैं और आप अगर कहीं पर बैठते हैं, या इमाम इलियास साहब कहीं पर बैठते हैं, या जो सही वाकई में कुरान के फॉलोअर है, सुन्नत रसूल के फॉलोअर है, हमारे अरकान के फॉलोअर है, हमारी सुन्नतों के फॉलोअर है, वो तो कहेंगे कि भैया उठाओ हथौड़ा और तोड़ो मजार। वो तो कहेंगे कि फिरका परस्ती बंद करो। वो तो कहेंगे कि ये जो मजारों के अंदर नाच गाना चलता है, ये जो डीजे चलता है, ये बंद करो। भाई हम तो साफ लफ्जों में कहेंगे कि 12 वफात में जिस हिसाब से डीजे कॉन्सर्ट हर मुस्लिम गलियों में लगाया जाता है, ये हमारे इस्लाम ने कब अनुमति दी थी? ये हमारे अल कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि जब 12 वफात आएगा तो आप डीजे कॉन्सर्ट कीजिएगा? भाई मुझे लगता है कि, और जहां तक मैंने अल कुरान को पढ़ा है, जितना मैंने इस्लाम को समझा है, हमारी ईद बहुत पीसफुली होती है, हमारी बकरीद बहुत पीसफुली होती है, हमारा मुहर्रम बहुत पीसफुली होता है, और बहुत पीसफुल और शांति तरीके से ही हमारे हर एक त्यौहार को मनाने की इजाजत भी दी गई है। यहाँ तक के अगर आप ईद के बारे में हदीस में पढ़ें, या शरिया में पढ़ें, या अल कुरान में पढ़ें, तो ईद इतनी महत्वपूर्ण दिन है कि 30 दिन रोजा रखने के बाद जब हम ईद मनाते हैं, तो उसमें किसी तरीके की कोई हेट्रिक बातें भी नहीं होनी चाहिए। पर पश्चिम बंगाल में आप देखिए, ममता पॉलिटिकल स्पीच देती हैं और मुसलमान खड़े होकर सुनते हैं, और मंच सजाया जाता है और सारे मुल्ला मौलवी उनके बगल में खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो ये दुकान है ना, ये तो दुकान है। अब मजारों में जो, जैसे मैं अजमेर गई थी, मैं बड़ा घुसती हूँ ये सब जगह,
तो अब तो इतना रेनाउंड हो गया है फेस कि अब मुझे कोई घुसने भी नहीं देगा, पहले तो मैं बड़ा घुस जाती थी अब तो समझ जाएगा कि ये कुछ राज ढूंढने के लिए आई है। तो वहां पर मुझे एक चिश्तिया परिवार के थे, उन्होंने ज्यारत वगैरह करवाया, पुलिस पोस्टिंग मुझे दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपने जो मन्नत मांगी है वो मन्नत अगर पूरी हो जाए तो ज्यादा नहीं 15-18 लाख की चांदी की गेट आती है वो लगा दीजिएगा। मैंने कहा कितने की आती है? 15-18 लाख की। मैंने कहा कितने लोग लगा लेते होंगे महीने में? तो कह रहा यही कोई 20-25 जो ज्यादातर हिंदू मारवाड़ी होते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो लगवा लेते हैं। अब आप सोचो महीने में 20-25 आदमी सिर्फ एक मुजाबिर, सिर्फ एक चिश्तिया को देता है 15-18 लाख रुपए चांदी का गेट लगाने के लिए। एक तो पहले ऐसे हिंदुओं को गंगा जल में डूब करके मर जाना चाहिए जो मजार जाता है, दूसरा कि आप किसको दे रहे हो पैसा? जो हमारे इस्लाम में कोई पीर बाबा माना ही नहीं गया है उसको। अब एक तो ये एक बहुत बड़ा दुकान चल रहा है, तो ये दुकान जब बंद हो जाएगा तो फिर इनको तो पढ़ना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको काम करना पड़ेगा, इनको नौकरी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, इनको पसीने बहाने पड़ेंगे जो ये करना नहीं चाहते हैं। बैठे बैठे आराम से पैसे मिलते हैं भीख भीख में, जिसको फितर और जकात अरबी में बोल दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर किसी ने इस्लाम के बारे में या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अल्लाह तबारक तआला के बारे में या हमारे किसी भी पैगंबर के बारे में अगर किसी ने नाउज़ु बिल्लाह कोई गलत टिप्पणी की है, अगर की है, तो उसका उसकी सजा और उसका अजर देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह से बढ़कर तो नाउज़ु बिल्लाह कोई नहीं है इस धरती पर। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक तआला का नाउज़ु बिल्लाह इन्होंने ठेका और बीड़ा उठा लिया है कि हम सजा देंगे? और मैं तो बहुत आश्चर्य में आ गई थी जब आपको लाइव टेलीकास्ट में एक स्कॉलर, पता नहीं स्कॉलर है भी कि नहीं है, कि चिटिंग बाजी से स्कॉलर है वो, कड़क छापे दुकान और फ्लैट किराए पे और उस पर लगवाते हैं वो। अच्छा दलाल है, दलाल है, ऐसा बोलिए ना, दलाल है ऐसा बोला जाए, ब्रोकर ठीक है, मतलब ब्रोकर मतलब मायने क्या होता है? अब अंग्रेजी में नहीं बोलूंगी मैं ब्रोकर नहीं बोलूंगी, तो मैं उर्दू में क्या बोलूंगी, दलाल ही बोलूंगी ना मैं। तो दलाल जो है वो बैठता है इस्लामिक स्कॉलर बन करके नेशनल न्यूज पर, और अंबर जैदी अगर कुछ बोलती है तो लाइव टेलीकास्ट पर वो कहता है तेरे में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और टुकड़े नहीं हुए तो मूंछ मुंडवा देंगे, और उन्होंने मूंछ भी मुंडवा ली है, मेरे पास खबर आई है। तो इसका मतलब है कि वो टुकड़े नहीं कर पाया, आपके टुकड़े नहीं कर पाया इसलिए मूंछ मुंडवा लिया है। और बिना मुंह के दाढ़ी वाले से मुझे बड़ी भाई मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये इतना खुराफाती होते हैं, इतने खुराफाती होते हैं। जैसे अवेसी को देखो, पूरे पूरे भारत के सभी युवाओं का बेड़ा गर्क कर रहा है असदुद्दीन अवेसी। मुझे तारिक अंकल की बात याद आई, वो बहुत हंसते थे, कहते भाई ये क्या होता है मुझ में, ये दाढ़ी बड़ी बड़ी रख ली तुम लोगों ने, ये क्या? वो बहुत अमर के मुझे लगता है कि हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका को ऐसी टीम को, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग जो टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देते हैं, 10 जगह FIR करते फिरते हैं, इतने पैसे कहाँ से आते हैं? भाई आप तो कहते हो कि आपको पहनने को नहीं है, आपको खाने को नहीं है, आपको घर लेने को नहीं है, आपको पढ़ाने को पैसा नहीं है, पर किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हो और उसके बाद में 5,000 FIR करते फिरते हो, फिर 300-300। मेरे ही मैटर में आप देखो ना, मेरे मैटर में मेरे पक्ष में 2 वकील खड़े हुए थे, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मेरा बेल रिजेक्ट कराने के लिए 250 से ऊपर वकील खड़े हुए थे, और तकरीबन 1-1.5 लाख आदमी बाहर था जो नाराबाजी कर रहा था, इस्लामिक नाराबाजी, वो भी कहां, संवैधानिक देश में, और वो भी कोर्ट के परिषद में, अलीपुर कोर्ट में। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही थी, तो मेरा फिर न्यू मार्केट थाना का एंटीसिपेटरी बेल फाइल हुआ, तो उस पर हियरिंग चल रही थी, उसमें भी मेरा एक वकील, सिर्फ एक, और मैं भी नहीं, और मुस्लिम पक्ष से कम 150 वकील, इसको बेल नहीं दिया जाएगा। और बाहर में फिर 60,000 से ऊपर लोग जो इस्लामिक नारा लगा रहे थे कि नहीं बेल नहीं मिलेगा इसको, तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? अब या तो ये झूठ है कि मुसलमानों को मोदी जी खाने को तरसा दिए हैं, ये बात झूठ है, और या तो फिर ये बात सच है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामी जमाती से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बहुत फंडिंग आ रही है,
बहुत फंडिंग आ रही है। अब अभी हमने परसों दिन देखा था कि रामगिरी महाराज जी के लिए बहुत बड़ा एक जुलूस निकला, इस्लामिक जुलूस, जिसमें इम्तियाज जलील ने वो नेतृत्व किया था। मतलब इस्लामिक जुलूस का सबसे बड़ा जो लीडर था वो इम्तियाज जलील था। अच्छा, मुझे बड़ी बड़ी उदासी होती है, बड़ी मायूसी होती है मुझे, अंबर, इम्तियाज जलील को विधानसभा इलेक्शन लड़ना है और 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन है, 2 महीने के बाद। अब इम्तियाज जलील क्योंकि अभी हालिया में 2024 का लोकसभा इलेक्शन हारा है, वो भी बहुत बुरे तरीके से, एकदम मतलब गटर और नाली की तरीके से हारा है। तो जब वो हार गया है तो उसको तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना टीवी में टीआरपी बने बने रहने के लिए। तो उसने सोचा चलो पहले तो रामगिरी महाराज जी का आशीर्वाद लेते रहते थे, रामगिरी महाराज जी का पैर छूते रहते थे। इवन आई हैव दैट प्रूफ कि इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज जी का भक्त था और रामगिरी महाराज जी के वजह से ही वो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स कर पाता था। मैं आपको वो प्रूफ दिखा देती हूँ जी। तो अचानक से इनके ऊपर कौन से वही नाजिल हुई और ये इन्होंने लश्कर खड़ा कर दिया फिर? नहीं, इनके ऊपर ये वो वही पॉलिटिक्स का और असदुद्दीन अवैसी का वही नाजिल हुआ और इनको रात में अल्लाह के फरिश्ते ने आकर के कहा कि जिस रामगिरी महाराज ने तुमको आशीर्वाद दे करके महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक नेता बनाया है, अब तुम उसके उसका सर तन से जुदा करने के लिए निकलो और मीडिया में टीआरपी बन करके छा जाओ तो तुमको असदुद्दीन अवैसी टिकट दे देगा। तुम लोकसभा में सांसद नहीं बन पाए तो क्या हुआ बेटा, अब तुम इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सियासत खेलो और उसके बाद तुम विधानसभा चले जाओ। ये वही नाजिल हुआ ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मतलब अफसोस आता है, बहुत अफसोस आता है, बीइंग अ मुस्लिम, हम दोनों मुसलमान हैं अंबर, और जब अपने युवा पीढ़ी को जब हम ऐसे बर्बाद होते हुए देखते हैं ना तो बहुत बुरा भी लगता है, बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर सैदी जी और नाजीला खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।